स्काई अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि। नेपाल सरकार ने भारत के कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन करने का विरोध किया है। नेपाल का कहना है कि यह कदम दोनों देशों के बीच समझ के खिलाफ है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका उद्घाटन किया था। नेपाल ने भारत से उसकी सीमा के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं करने के लिए कहा है। उसका कहना है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कूटनीतिक तरीके से निपटाया जाएगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेपाल सरकार को पता चला है कि भारत ने कल शुक्रवार को लिपुलेख को जोड़ने वाली लिंक रोड का उद्घाटन किया है, जो नेपाल से होकर गुजरती है। नेपाल ने कहा है कि उसने हमेशा यह साफ किया है कि सुगौली समझौता 1916 के तहत काली नदी के पूर्व का इलाका लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेख नेपाल का है। उसका कहना है कि नेपाल सरकार ने कई बार पहले और हाल में भी कूटनीतिक तरीके से भारत सरकार को उसके नए राजनीतिक नक्शे जारी करने पर बताया था। नेपाल ने इस कदम को एक पक्षी बताया है और कहा है कि यह समझ के खिलाफ है कि दोनों देश बातचीत और सहमति से सीमा विवाद को निपटाएंगे। नेपाल का दावा है कि ऐतिहासिक समझौतों, दस्तावेजों, तथ्य और नक्शों की बदौलत इसे सुलझाना चाहिए। बता दें कि भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कैलाश मानसरोवर रूट से लिपुलेख पास को जोड़ा है, जिससे सीमावर्ती गाँव और सुरक्षा बलों को कनेक्टिविटी मिल सके, लेकिन नेपाल को इस पर आपत्ति है। अब देखना पड़ेगा कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। NI News